वो बाबा जी फरमाते हैं कि ऊंची अटरिया और रात है ऊंची अटरिया, समझते हो ऊंची अटरिया जिन्हों टक्की कहें उची की टक्की कहें की कहें उची टिब्बा टिब्बा बाबा फरीद वो इंज करके चढ़ना ना तो हो भी बारिश तो हो भी तिलकण हाय हाय टिब्बा भी होवे टेढ़ा मेढ़ा होवे तिलकण तो बारिश भी पैंदी होवे तो होवे भी रात ते दाएं बाएं जनाब जंगली जानवर भी होन फिर टुरो और जब जब उसमें टुरेगा इसको तकवा कहते हैं, इसको कहते हैं तकवा है जी। तो मेरी मुहम्मात को हल करने वाला कौन है? तू है या मुनज़्ज़िल अल-बरकात या मुनज़्ज़िल अल-बरकात या मौला, मैं तेरे से इल्तमास करता हूँ कि मेरे पे रहमत मी बरसा है जी, क्योंकि कदे कदे मी बरसदा है वैसे ही फिर दुबई बढ़ जाता है बंदा। मक्का और मदीने को इस वक्त अभी थोड़े अरसे बाद वो पिकनिक पॉइंट बना देंगे, है आपको खबर? कुरान की आयतें मैं अभी टाइम नहीं है पढ़ पढ़ के आपको सुनाऊं। नबी पाक ने आखिरी खुतबे में फरमाया था कि मुशरिक का दो शहरों में दाखिला, किसने फरमाया जी? नबी करीम ने, कुरान आ गया, कुरान की आयतें हैं कि मुशरिक का दाखिला और ये वो पिकनिक पॉइंट बना रहे हैं जी। अगर वो पिकनिक पॉइंट बनेगा वह हिंदू भी काफर भी सारे आएंगे, तो फिर गिरजा भी वहाँ बनेगा, फिर मंदिर भी वहाँ बनेगा। दुबई वालों ने बना दिया, इमारतें अभी धंसने शुरू हो गई हैं, ये भी जहन में रखें, ये मेरे आका के फरमान है, ठीक है जी। या सलामो या सलामो या सलामो या सलामो यार चंद